on a thin ring of radius r, charge q is uniformly distributed. Find the intensity of electric field at a point on the axis of the ring located at a distance of x from its center. ये बोल रहा है कि एक r radius की ring है अपने पास. Ring draw कर लेते हैं. रिंग को मैं बोर्ड के परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहा हूं इस तरीके से, ठीक है. ये इसका सेंटर है और इसकी रेडियस कितनी गिवन है, आर. इसके सेंटर से कुछ एक्स डिस्टेंस के ऊपर ये कोई पॉइंट है पी. यहां पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करके बताना है. ये डिस्टेंस है एक्स, ये जो रिंग है इसके ऊपर टोटल चार्ज है क्यू, ठीक है. अब मान लेते हैं कि इसके ऊपर यहां पे एक छोटा सा एलिमेंट है, रिंग के ऊपर हमने एक लेंथ का छोटा सा एलिमेंट डीएल कंसिडर कर लिया यहाँ पे, और इस डीएल एलिमेंट पे जो चार्ज होगा वो कितना होगा, डी. जैसे यहाँ पे हमने एक एलिमेंट लिया वैसे इसके डायमेट्रिकली अपोजिट यहाँ पे भी हमने एक छोटा सा एलिमेंट कंसिडर कर लिया डीएल लेंथ का, और उस पर भी चार्ज कितना होगा, डी क्यू. सेम लेंथ का कंसिडर किया तो चार्ज क्या होगा, बराबर ही होगा, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है इसके ऊपर चार्ज. अब ये जो छोटा सा एलिमेंट है डीएल जिसपे पॉजिटिव चार्ज है, हम इसकी वजह से इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करेंगे. तो इसके लिए इसकी इस पॉइंट से डिस्टेंस पता होनी चाहिए. ये डिस्टेंस आ रहा है, ये एक्स है, तो ये कितना होगा, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर. और उसी तरीके से हम इस एलिमेंट की वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करेंगे, तो हमें ये डिस्टेंस पता होनी चाहिए. तो ये आर है, ये एक्स है, तो ये वापस क्या हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर अंडर रूट. समझ में आया. अब ये जो छोटा सा एलिमेंट है जिसकी लेंथ है डीएल जिसपे चार्ज है डी क्यू, इस डी क्यू चार्ज की वजह से यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कितना होगा, तो आपको डिस्टेंस पता है, आपको चार्ज का मैग्नीट्यूड भी पता है डी क्यू, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, तो मैं उसको डी ई लिख देता हूँ, ठीक है. ये होगा के, फॉर्मूला क्या है, के क्यू बाई आर स्क्वायर. क्यू की जगह क्या लेना है, डी क्यू, और आर यानी डिस्टेंस की जगह क्या लेना है, एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर. अंडर रूट हट जाएगा, स्क्वायर करेंगे तो ये अपने पास में क्या आ गया, एक स्मॉल एलिमेंट डीएल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया. डायरेक्शन क्या होगी इलेक्ट्रिक फील्ड की, तो पॉजिटिव चार्ज है तो आउटवर्ड, यानी कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी डीई की. आया समझ में. अब इसी तरीके से इस पॉइंट के ऊपर हमको इस एलिमेंट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है, क्या करोगे, तो वापस से इस स्मॉल एलिमेंट पे चार्ज है डी क्यू, इसकी वजह से यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसको लिखेंगे के इंटू डी क्यू अपॉन डिस्टेंस स्क्वायर. डिस्टेंस का स्क्वायर करोगे तो ये एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर आएगा, मतलब ये अंडर रूट हट जाएगा. और डायरेक्शन क्या आएगी इलेक्ट्रिक फील्ड की, तो इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो आउटवर्ड डायरेक्शन में होगा, इधर. आया समझ में, ठीक है. अब टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, तो सिर्फ इन दो एलिमेंट्स का ऐड करके देखेंगे, फिर ऐसे इनफाइनाइट एलिमेंट्स इस रिंग के ऊपर हो सकते हैं. तो इन दो को अपन पहले ऐड करके देखते हैं कि इनमें से कुछ भी कैंसिल हो रहा है या ये पूरा पोर्शन ऐड हो रहा है. तो मान लेते हैं कि ये वाला एंगल है थीटा, ये एंगल थीटा है, तो ये वाला एंगल भी कितना होगा, थीटा के इक्वल होगा. अगर ये एंगल थीटा है तो इसके वर्टिकली अपोजिट ये वाला एंगल भी क्या होगा, थीटा होगा, और इसके वर्टिकली अपोजिट ये वाला एंगल भी थीटा होगा. अब अगर मैं इनके कंपोनेंट्स करूं तो इस DE का थीटा से जुड़ा हुआ कंपोनेंट क्या आएगा, ये DE cos थीटा, और दूसरे वाला कंपोनेंट DE sin थीटा. इसी तरीके से इस DE का थीटा से जुड़ा हुआ जो कंपोनेंट है वो आएगा DE cos थीटा, और दूसरे वाला कंपोनेंट क्या आएगा, DE sin थीटा. ये दोनों कंपोनेंट्स इक्वल एंड अपोजिट होंगे तो आपस में कैंसिल, और ये दोनों कंपोनेंट्स एक ही डायरेक्शन में है तो ऐड होंगे. यानी कि इन दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड का इस रिंग की एक्सिस के अलोंग जो कंपोनेंट है वो ऐड हो रहा है. कौन सा वाला कंपोनेंट, एक्सिस के अलोंग वाला. और ऐसे कितने एलिमेंट्स इस रिंग के ऊपर लिए जा सकते हैं, इनफाइनाइट एलिमेंट्स. और उन सारे के सारे एलिमेंट्स का कौन सा कंपोनेंट हमेशा ऐड होगा, एक्सिस के अलोंग वाला, कौन सा, डी कॉस थीटा वाला. अगर मुझे इस पॉइंट के ऊपर इस रिंग की वजह से टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है तो मुझे इन एलिमेंट्स का सम कर लेना चाहिए, क्योंकि साइन वाले कंपोनेंट हमेशा कैंसिल होंगे पेयर के अंदर. जैसे आप रिंग के ऊपर डायमेट्रिकली अपोजिट जितने भी एलिमेंट्स होंगे उन सबका इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सिस के परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट हमेशा कैंसिल होगा. ऐसे दो दो एलिमेंट्स पूरी रिंग के ऊपर अपन ले सकते हैं तो सब कैंसिल. इसलिए हम करेंगे टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए DE cos थीटा का इंटीग्रेशन. समझ में आया, हमने ये जो इंटीग्रेशन है DE cos थीटा का किया, DE का नहीं किया, क्योंकि साइन वाला कंपोनेंट होगा ही नहीं, हमेशा कैंसिल होगा. तो आंसर क्या आएगा, तो इसका ये होगा के इंटू
डी क्यूब डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर इन टू कॉस थीटा। चीजें कॉन्स्टेंट है, इंटीग्रेशन से बाहर लिखेंगे। क्या यहाँ पे के कॉन्स्टेंट है, इलेक्ट्रोस्टैटिक कॉन्स्टेंट, कॉस थीटा कॉन्स्टेंट है कि नहीं है? एक चीज सोच के बताओ, किस रिंग के ऊपर मैं कहीं भी एलिमेंट ले लूं, उसका इस पॉइंट से ये जो एंगल बनेगा ये हमेशा क्या बनेगा, थीटा ही बनेगा। ये ऐसे रिंग है ना, इसके एक्सिस के ऊपर ये पॉइंट है, तो ये वाला एंगल अगर थीटा है तो नीचे भी एंगल थीटा ही बनेगा। अगर मैं इधर से ऐसे मिलाऊंगा इसको तो भी ये एंगल थीटा बनेगा, इधर से मिलाऊंगा तो भी, मतलब पूरी रिंग के ऊपर कहीं से भी एक धागा बांध के इस पॉइंट से मिला दो और उसके एक्सिस से एंगल चेक करो, चारों तरफ कहीं भी चेक कर लो, हर बार एंगल थीटा ही बनेगा। ये होगा कि नहीं होगा, है ना? तो कॉस थीटा भी यहाँ पे क्या है, कॉन्स्टेंट है। क्या एक्स और आर भी कॉन्स्टेंट है? एक्स क्या है, ये वाली डिस्टेंस है, आर ये वाली डिस्टेंस है, ये भी कॉन्स्टेंट है। ये पॉइंट तो फिक्स है ना रिंग एक्सिस के ऊपर एक्स डिस्टेंस पे, तो ये डिस्टेंस भी क्या हो गई, कॉन्स्टेंट। तो इंटीग्रेशन किसका करना है, सिर्फ डी क्यू का। और डी क्यू का इंटीग्रेशन करने का मतलब है डी क्यू ऐसे जितने भी चार्ज होंगे इस रिंग के ऊपर सबको ऐड करो, सबको ऐड करोगे तो टोटल चार्ज कितना आएगा, क्यू के इक्वल आएगा, जो हमने इस रिंग के ऊपर कंसिडर किया है। तो आंसर क्या बना, के क्यू कॉस थीटा अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। अब ये जो कॉस थीटा, इसको डायग्राम से आप कैलकुलेट कर सकते हो। ये जो राइट एंगल ट्राइंगल आपको दिखाई दे रहा है इसमें कॉस थीटा क्या होगा, कॉस थीटा बताओ, हाँ बेस अपॉन हाइपोटेनियस मतलब एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का अंडर रूट, ये तो होगा, है ना? और ये वैल्यू उठा के यहाँ पुट कर दो तो ये आंसर अपने पास आएगा E इक्वल्स टू के क्यू, के की वैल्यू भी आप लिख सकते हो, तो मैं K को लिख देता हूँ 1/4πε0 Q, cos थीटा को मैंने लिखा x अपॉन और अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, लेकिन एक एक्स स्क्वायर आर स्क्वायर पहले से, तो ये क्या पावर बनेगी, पावर 3/2। बोलो आया कि नहीं आया, ये लो आंसर।